अरे 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 सीजी के पारस सब बो लैका पिचका आओ जवान सियान मल्ला जय जोहार। देखो इधर ये अभी तक सो के उठे नहीं है। सुप्रभातम, सुबह के 6 बज चुके हैं, आज है 14 अप्रैल। तो अभी हम आ चुके हैं छत में, थोड़ा योगा वोगा करने वाला है। वैसे तो मैं यहाँ रोज ही करता हूँ, लेकिन देवी जी आज उठा के लाल होते कैसे तो देख सुते के लेके मैं तो सो रही हूँ। अभी तक सोए थे यहाँ सोना नहीं है, अभी पूरा जबरदस्त योगा करना है ताकि आपको देख के दूसरे लोग भी करें। रुक जाओ, हम पहले करेंगे यौगिक जॉगिंग। चलो तो शुरू करते हैं योगा। सबसे होगा सबसे पहले ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अरे अरे डांस देखो, चलो चलो योगा करो। ये भी तो योगा है। तो बात हो गई घुटना ला सीना तक लाना है। चलो देखते वाह, कंधा में टच करना है। मेरा इतना लंबा लंबा नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए बॉडी। देखो कंधा में 2, 3, 4, 5, 6 करो डिस्टेंस। पूरा बैठो, अप 3 अप। करो करो अरे कौन बच्चा है ये मुझे जरूरत नहीं है, मैं मोटी नहीं नहीं मैं सब बता रही हूँ, मैं करूँगी। मैं बहुत कष्ट होता है, ये तो मेरे पीछे ये कितना बुरा। दूसरा स्पीड कैसे करते हो बच्चे? उसको तो दांत के भगा देता मैं भी। इतने बुरे हो उसको ना एनसीसी में रोने को। मजाक उड़ाते मैंने क्यों पूरा ये वीडियो हो जाएगा। कितने बुरे हो यार, हो गया मैं कुछ करने में कपड़ा बात करें। अभी देवी जी चक्रासन करने वाला है। कवान और ऊपर और ऊपर, इतना ऊपर आओ कि मैं ऊपर बैठ सकूं। अभी मैं चक्रासन करने वाला हूँ। एक हाथ से करो यार, मत करो वैसे। आज देवी जी है बना है बैंगन की सब्जी, जबरदस्त लगा था। आज खाना पूरा देवी जी ही बना है, मैं बना सकता तो सिट्ठा पचा रहा। नमक कम डाली हूँ मैं जानबूझ के। हाँ फिर भी अच्छा लगा थे। देखो हमारे घर कौन है, रुद्राक्ष। कितना सुंदर लग रहा है, बाल आ गए। अभी अगर मार्केट आए
तो देख सकते हो गर्मी के मौसम में बर्फ के गोला बिके के शुरू हो चुके हैं। कौन कौन ला बर्फ के गोला पसंद है कमेंट करके जरूर बताऊं। चाय पी एक बिरा कौन दूध पी थे मैं पीथो ऐसे बोलो मैं पीथो। आपका तो मूछ बन गया है। शाम के 7:15 हो चुके हैं। अभी मैं खाना बनाने वाला हूँ। देख सकते हो ये चावल। खाना बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। कुछ नहीं करना है, चावल ला साफ कर लेना है, पानी डाल देना है। चावल ला मैं डाला था पानी में और फिर थोड़ा सा घुमा देना है। पानी ला ऐसे एक देना है। एक बाद एक ठो मटकी ला रखना है। एमा चावल ला डालना है। जितना चावल है उतना ओकर से डबल पानी डाल देना है। ये दे ओकर बाद चालू कर देना है। आप थोड़ा वेट करना है। ओकर बाद चावल जब हल्का हल्का गीला गीला रही तो फिर बंद कर देना है। देख सकते हो हमारे घर में पूरा धुआं भर आ चुके हैं और बाहर में अपन ला आवाज़ सुनाई देवत हुई। नगर पालिका वाला मन जो है एक मशीन चलावत है। कुछ भी दिखाई नहीं देवत है। आवाज़ सुन सकते हो अपन एक समझ सकते हो कौन सा मशीन है रुकेला। और देवी जी की हालत खराब हो चुकी है। चलो बंद करो जल्दी। बरबट्टी ले धो के खचा खचा भी काटू ओकर बाद फिर सब्जी बने के शुरू हो जाए। ये देख सकते हो मच्छर को भगाने के लिए धुआं किया जाता है। संगवारी हो आप मन के भी गांव में इसने धुआं होते कि नहीं हुए मतलब कमेंट करके जरूर बताओ। अरे तो भागे या ना भागे उससे क्या मतलब, उनका काम है कि अच्छा मच्छर भगाने का मशीन है उसको प्रयोग करना, उसके लिए फंड आया है। अब भागे ना भागे वो बेचारा मच्छर जाने। तुलसी के पौधा जो जहाँ जहाँ पे खिड़की है ना वहाँ वहाँ पे तुलसी के पौधा यदि लगा दूँ तो मच्छर वहाँ पे नहीं आए। बरबट्टी पूरा कटा चुके हैं। चलो चावल ला देखथन का हाल चाल है। रे बाबा देख सकते हो चावल हा बस पक करने ही वाला है। देख सकते हो चावल जो है पूरा पक चुके हैं। पानी बहुत ही कम है हल्का से। तो अभी क्या करना है, फ्लेम ला बंद कर देना है और ढक्कन ला ऐसे साफ है भाई सूख गए थे कैसे तुझे दिक्कत है, ढक्कन ला बंद कर देना बस। अब कुछ नहीं करना है। देखो 20 मिनट में राइस पक गए। अब सब्जी बनाना है। तेल डाल देता हूँ। जीरा रे बाबा फ्लेम को डाउन किया जाए। देख सकते हो जीरा सब बरबट्टी ला डाला थो। दस 15 मिनट बाद सब्जी मस्त भून जा चुके हैं। मस्त का थोड़ा सा ज़्यादा ही भून जा चुके हैं। हल्दी डाल देखो और डाल देखो मैं थोड़ा से धनिया डाल दिया जाए, थोड़ा घुमा दिया जाए। इला मैं ढक दी हूँ। 5 मिनट पकी कर और मस्त पानी डाल दूँ। देख सकते हो सब्जी में डाला था अभी पानी। एक गिलास हो चुके हैं। ये हरे दूसरा गिलास। ढक्कन ला बंद कर देना है। थोड़ा धनिया पत्ता काट के रखे हैं यहू डाल देता हूँ। ये भी बढ़िया से मिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो खाना बन चुके हैं। अब ये हम खाना खाकर बैठने वाला हैं। बस आज की वीडियो ला बस इतनी दूर तक रखें। वीडियो कैसे लगे इस कमेंट करके ज़रूर बताओ। अच्छा लगे सो तो लाइक कर दो। जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मज़ा आया कि नहीं आया? पहली मोड़ से खाना ठीक ठाक बना थी से ठीक ठाक लगे, लेकिन अभी कहोगे पता नहीं खाना बहुत ही बिगड़ जाते। सब्जी की बात कर रहा था और आज तो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई इसे।